नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं टेकी गेमर और एक और नए टेक वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे पास जो फ्लैश ड्राइव होती है, हम उसे कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कैसे प्रॉपर फॉर्मेट कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ तो हम लोग अभी फॉर्मेट करने के लिए क्या करते हैं, हम अपने दिस पीसी में जा रहे हैं। दिस पीसी पे आपने क्लिक किया और मेरा जो स्टोरेज ड्राइव है एफ ड्राइव, जो 2 GB की मेरी ट्रांजेंट की पेन ड्राइव लगी हुई है, उस पर राइट क्लिक किया, फॉर्मेट पे गए। फिर हमने वहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन में क्विक फॉर्मेट बॉक्स को चेक किया, स्टार्ट किया, ओके। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मेट है जो हम लोग रोज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें अपना पेन ड्राइव प्रॉपर फॉर्मेट करना है कि जो भी उसके अंदर जो डेटा है या बैठ सकते हैं जो कि फिक्स हो जाए, तो उसके लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू फॉर्मेट करते हैं। तो चलिए कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू देखते हैं कैसे प्रॉपर फॉर्मेट किया जाता है फ्लैश ड्राइव को। तो सबसे पहले स्टार्ट आइकन पर क्लिक करना है, वहाँ पर टाइप करना है कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है, यस करना है। यस करने के बाद जो पॉपअप विंडो आएगा आपके सामने, वहाँ पे टाइप करना है डिस्क पार्ट करना है सबसे पहले। उसके बाद हमें वहाँ पे टाइप करना है लिस्ट डिस्क। करने के बाद हमें वहाँ पे 3 स्टोरेज ड्राइव शो कर रहा है, जो कि 0 में मेरा SSD इंस्टॉल है, 1 में मेरा वन ऑफ द बेस्ट FireCuda हार्ड ड्राइव इंस्टॉल्ड है, और जो Disk 2 शो कर रहा है वो मेरी ट्रांजेंट की 2 GB पेन ड्राइव है। तो हमें अपने ट्रांजेंट 2 GB पेन ड्राइव को प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट करना है, तो उसके लिए हम कमांड देंगे यहाँ पे। उस पर्टिकुलर डिस्क को हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट Disk 2, इंटर। Disk 2 इज़ नाउ द सेलेक्टेड डिस्क। मैंने पर्टिकुलर जो स्टोरेज ड्राइव को फॉर्मेट करना है मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया है। अब हम वहाँ पे कमांड देंगे क्लीन, एरर आ गया, इससे मैं कमांड टाइप करता हूँ। हाँ, तो क्लीन कमांड टाइप करने के बाद वहाँ पे आया डिस्क पार्ट सक्सेसफुली इन क्लीनिंग द डिस्क। अब हमें कमांड देना है फिर से क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, इंटर। अब यहाँ पे जो लिख रहा है डिस्क पार्ट सक्सेसफुली इन क्रिएटिंग द स्पेसिफाइड पार्टीशन, मतलब जो हमारा स्टोरेज ड्राइव है जिसको हम फॉर्मेट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर सेलेक्ट हो चुका है। अब हमें कमांड देना है फॉर्मेट करने के लिए प्रॉपर, फॉर्मेट fs इक्वल टू ntfs, इंटर। हमारा जो फॉर्मेट का प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुका है। अब ये फॉर्मेट होने में एटलीस्ट, मेरा 2 GB का पेन ड्राइव है तो एटलीस्ट ये 5 मिनट लेगा, लेकिन अगर यही आपके स्टोरेज 32 GB की हो या फिर 500 GB हो या फिर 1 TB की हार्ड ड्राइव हो, तो इट विल टेक अराउंड 4 आवर्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, 94% कम्प्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट ये कम्प्लीट होने ही वाला है। तो हमारा यहाँ पे 100% फाइनली कम्प्लीट हो गया फॉर्मेट। डिस्क पार्ट सक्सेसफुली फॉर्मेटेड द वॉल्यूम, मतलब वो पर्टिकुलर जो वॉल्यूम था 2 GB का वो फॉर्मेट हो चुका है। फॉर्मेट होने के बाद लास्ट कमांड आपको यहाँ पे देना है assign और इंटर पे करना है। इंटर करते ही आपके पास जो पॉपअप विंडो खुला है, वो जो पेन ड्राइव का जो स्टोरेज ड्राइव था वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है पेज। यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्क पार्ट सक्सेसफुली असाइन द ड्राइव लेटर और माउंट पॉइंट। इसको क्लोज करते हैं, जिस पीसी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे जो पेन ड्राइव वो प्रॉपर फॉर्मेट हो चुका है। हाँ, तो फ्रेंड्स, हमारी पेन ड्राइव फॉर्मेट हो चुकी है। तो इस प्रोसीजर से कमांड प्रॉम्प्ट के हम अपनी फ्लैश ड्राइव, हम अपनी हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हैं। इवन मेमोरी कार्ड, जो मोबाइल में मेमोरी कार्ड लगते हैं उन्हें फॉर्मेट करना है, तो आप इस प्रोसीजर को फॉलो करके अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो देखते रहिए टेकी गेमर एक और नई वीडियो के साथ। फिर मिलते हैं।